ग्रुप के ग्रुप, कोई कोई हजार ग्रुप, सबसे पहले नागा पहुंच गए, बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं, वो भी भगवान तमोगुण शिव के उपासक हैं। हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में खड़े हो गए। पीछे से ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु संत आ गए। इन्होंने देखा कि नागा सबसे पहले नहाने को तैयार हैं गंगा में, हर की पैड़ी में। तो वैष्णव ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, नागाओं तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, हमें कोई इच्छा नहीं संसार की, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम स्नान हम करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे, तुम शरण फिरड़ो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेट रहा की, तुम कहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब स्नान करना तो भूल भाल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी ना याद रही, आपस में झगड़ने लगे। वो उसका तलवार मारे, कोई तीर मारे, कोई बुड़का भर के काटे उनको, आपस में मुक्का मुक्का, यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये त्रिगुणमयी माया के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के, ये 25,000 तमगुण और सतगुण उपासक आपस में लड़कर कट मरे वहां पर। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताया है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है। तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जान्या, वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार कटारी, ओए कहते कति डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाने, हर की पैड़ी कब है, और भगवान के प्रति प्यार नहीं, उनकी आपस में काट रहे हैं एक दूसरे, भगवान की आत्माओं को काट रही है एक आत्मा, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, और वहां जाकर तेग चला में, तेग माने तलवार, और कट शीश नहीं दल करुणा, एक दूसरे का सिर काट रहे हैं, दिल में दया नाम की चीज नहीं, और वो जग में साधकवावे हैं, कट शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साधकवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। जब ये स्वयं ही इस प्रकार के क्रोधी कसाई टाइप हैं, तो उनके अनुयायियों को भी फिर नरक में भिजवाओगे, उनको भी यही शिक्षा देंगे, काट दे मार दे, ये कुछ साधुओं के लक्षण होते हैं। पुनात्माओं, हमने सदग्रंथों को समझा नहीं, क्योंकि जिनको हम विद्वान समझते थे वो कोरे अज्ञानी थे। अब ये तो प्रसंग हो गया कि गीता ज्ञान दाता इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, यानी तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को क्या बता रहे हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए, और के कसर राक्षस ही बुंडेत है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख ही। बता किस बात पर लड़े थे ये, एक नहाने के ऊपर, स्नान के ऊपर। इनसे अच्छा करैक्टर तो आम आदमी का होगा, जो भक्ति भी ना करता। जैसे कहीं कोई बैठे हैं स्नान कर रहे हैं किसी घाट पर, और कोई व्यक्ति आ जाता है पीछे से स्नान करने वाला, आम व्यक्ति भी ये कहता, आ जाओ आप भी नहा लो, लो आ जाओ, मैं थोड़ा सा इधर हो लेता हूँ, आप भी स्नान कर लो। अरे ये नहीं होगा, हम श्रेष्ठ पहले नहाएंगे, अरे पहले पाछे में के गंगा का पानी खत्म हो जाना था, या कोई वो मलिन हो जाना था वो जल, इतनी अकल नहीं लोगों में, अरे ये साधु संत कमावें और दुनिया न भरमावें, अभी तक लगे हुए हैं दुनिया जनता के श्रद्धालुओं के जीवन नष्ट करने में। अब तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, वो
नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 आपने पढ़ लिए, अब 7वें अध्याय के 16, 17, 18 तीन श्लोकों में गीता ज्ञान दाता अपने साधकों की जानकारी देता है। उसके बाद 19 में अन्य जानकारी है, अभी आपके समक्ष बताएंगे। और फिर 20, 21, 22 और 23 में गीता ज्ञान दाता फिर उन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तर्मगुण शिव जी यानी इन तीनों देवताओं की साधना को गलत बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 20। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है यानी तीनों देवताओं से जो लाभ मिलना है उन उसके कारण अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं पूजते हैं। तो है। और 21 में क्या बताया फिर, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी जो विष्णु की साधना करता है विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, जो शिव जी की पूजा करता है शिव जी का रूप धारण करके आ गया और उनके छोटे मोटे काम कर दिए ताकि वो लगे रहें। अच्छा तो 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब इसने तीनों अपने पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है, इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्ति दे रखी है और वर्क डन ही ये दे सकते हैं तीनों, केवल जो जैसा करता वैसा। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का हाय हाय, गीता ज्ञानदाता कहता है उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तीनों देवताओं की। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, जैसे चाहे भजे ऐसे गलत अनुवाद किया, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब पुण्यात्मा, अब ये काल कहता है कि ये जो साधना ये कर रहे हैं इनका ये पूजा अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये शास्त्र विधि रहित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 के कुछ श्लोक आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि कोई भी जैसी साधना कोई कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है। तो ये कह रहा काल गीता ज्ञानदाता कि वो भगवान की पूजा के लिए ही कर रहे हैं किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब कहते हैं वो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। अपने आत्माओं इस पवित्र सदग्रंथ को समझने के लिए हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कह रहा है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, जो विराट रूप दिखा रखा था, और मेरी प्राप्ति इसके दर्शन अर्थात काल प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से ना किसी जप से ना तप से ना क्रिया से किसी से भी वो नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी यानी वेदों में वर्णित विधि ओम नाम है, ओम के जाप से कहाँ जाता है ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है, लेकिन वो दर्शन ही देता वहाँ ये काल इनको, वो सिर्फ इसीलिए इसको निराकार माना जाता है। ये खुद कहता मैं वहाँ अव्यक्त हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ 7वें अध्याय के 24-25 में, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप माया हुआ मान रहे हैं, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी इस रूप में कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। अब यहाँ देखिएगा 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में
तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म, ये सकाम सुकुम कुछ नहीं है, तेना अपने आप पढ़ा रखें, तीनों वेदों में विधान किए हुए और सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 में वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म आश्रय लेने वाले भोगों के कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। 22 में कहा है जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, यानी उनकी भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ। बस आगे फिर 23 में कहा है हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम सुकुमनी जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। अपनात्मा अब हम 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर ये 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक साधना करते। अब 16 में जाएगा 24 में इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है, शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही करने योग्य है, करनी चाहिए। अब 17वां अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, अब 17वां अध्याय है और प्रथम श्लोक में हे कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण मान रहा था अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अर्थात राजसी है या तामसी। 17वें के दूसरे में कहा है मनुष्यों की वह संस्कारों से शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की ही होती है, उसको मुझसे सुन। अब तीसरे में कहा है हे बार सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यानी पहले जन्म में जिसे उन्हें साधना कर रखी वह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं भी वैसा ही है, स्वयं भी है वही है। अब देखो है अन्यों के हैं ये अच्छी आत्मा सात्विक अच्छे विचारों के व्यक्ति तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। 17वें का चौथा सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, ये सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की पूजा करते हैं, और राजस व्यक्ति जो है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, कि तो बकरे काटें कि तो भैंसा काट कर चढ़ावें, सौफंड करते हैं कि दारू चढ़ावें, और अन्य तामस मनुष्य जो हैं वे प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं। अपने आत्माओं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, शास्त्र विधि त्याग जो भी ये साधनाएं कर रहे हैं तप करते, दम और अहंकार से युक्त कामना आसक्त और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो निरे अहंकारी और विनाशक हैं। अब 5वां पढ़ लिया 6 में शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ को भी
ये क्रस करने वाले हैं उन अज्ञानियों को, असुर स्वभाव के जान अपुण्यात्मा।